तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने है KTM 390 एडवेंचर और इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये भी बता देता हूँ। ये थोड़ी थोड़ी दूर पे अपने आप बंद हो रही है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इसकी थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग। अब जब तक थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही बार बार बंद होती रहेगी और ऐसे ये मतलब थोड़ा इसका पिकअप भी डाउन हो जाएगा और ये स्टार्टिंग में कभी कभी बंद भी हो जाती है। तो ये इसमें मेन प्रॉब्लम है कि ये बंद हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया। तो वो सॉल्यूशन करने अभी हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर, KTM का सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं, पे ये सारी प्रोसेस कराते हैं और मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ, कितने चार्ज लगे, कितना पेमेंट किया मैंने, कैसे किस चीज़ का कितना चार्ज लगा, वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। और ये सारा काम ये वारंटी से आउटसाइड होता है, ये वारंटी में नहीं आता है, इसका पेमेंट करना ही होता है। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर पे, वहीं पे ही आपसे बातें करता हूँ। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ KTM सर्विस सेंटर आगरा और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हैं और ये पड़ा है मेरी बाइक का एयर फिल्टर और आप देख सकते हैं मेरी बाइक के एयर क्लीनर के अंदर से एयर फिल्टर बाहर कर दिया है मैकेनिक ने और फिलहाल मैं बाइक को पीछे की साइड में लगाया गया है सर्विस सेंटर के ओपन साइड में, क्योंकि सर्विस सेंटर के अंदर अगर इस काम को करेंगे तो काफ़ी धुआं वगैरह निकलेगा और वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और बाइकों को ठीक करने में। और ये काम वैसे भी ओपन में किए जाते हैं, क्लोज एनवायरमेंट में नहीं किए जाते। और ये है वो क्लीनर जो कि आप देख सकते हैं और इस पर MRP यहाँ पर पड़े हैं, ये हैं लगभग 850 रुपये, 850 ही हैं लगभग क्या, और ये 150 ml का केन है। और ये है वो मशीन जिसकी हेल्प से हमारी बाइक को क्लीन किया जाएगा, मतलब थ्रॉटल बॉडी को पूरी तरह से क्लीन किया जाएगा। और अभी आप देखिए यहाँ पे मेरी बाइक की थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये बोला जाता है कि थोड़े स्टार्टिंग में RPM देने होते हैं बाइक को, मतलब थोड़ा सा रैप करना पड़ता है, उसके बाद फिर नॉर्मल करके छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे बाइक की थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो जाती है लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर। तो ये देखिए यहाँ से पाइप लगा रखा है जिसमें से होके वो लिक्विड स्प्रे बन के अंदर जा रहा है और वो अंदर अंदर इसको पूरी तरह से क्लीन कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी रैप करना पड़ता है और एंड में भी, अभी देखिए एंड में भी थोड़ा सा रैप करना पड़ता है जिससे कि जो भी इसमें गंदगी है वो सारी निकल जाए। अभी आपने देखा कि धुएं के साथ एकदम से काफ़ी बबल सा निकला, तो वो सारी गंदगी थी। तो ये थी पूरी क्लीनिंग की प्रोसेस। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ सर्विस सेंटर से गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा के और अभी इसकी जो प्रॉब्लम है, जो इसकी बीच में बंद होने वाली समस्या है, वो प्रॉपरली दूर हो चुकी है। और अभी मैंने जब बाइक को पूरे रास्ते में चलाया लगभग 60-70 किलोमीटर, तो उस दौरान भी बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि रास्ते में कहीं बंद हो जाए या एक्सीलेटर डाउन करने पर बंद हो जाए, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जबकि जाते टाइम पर ऐसा 2 बार हुआ था कि गाड़ी चलते चलते जैसे ही मैंने एक्सीलेटर थोड़ा डाउन किया तो बाइक बंद हो गई। तो ये वाली प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग करा सकते हैं। ये जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग का प्रोसेस है इसके लिए मुझे चार्ज किया गया 569 रुपीज़, जिसमें से कि 333 रुपये वो जो लिक्विड था जिसपे काफ़ी अमाउंट में रुपये पड़े थे, लगभग 850 रुपये पड़े थे उस पर MRP में, लेकिन उसके जो चार्ज लगे हैं वो हैं 333 रुपये और 236 रुपीज़ मुझे चार्ज किए गए लेबर के, मतलब क्लीनिंग के पूरी के। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग का जो कि अभी आपने वीडियो में देखा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो सिंपली इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपके कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर या टेलीग्राम पर पिंग कर सकते हैं, तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। Oh, 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 oh,